हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको फाइब्रॉइड डायग्नोस हुआ है यानी कि बच्चेदानी के अंदर गांठ है, तो अगला सवाल आता है कि यदि मैं इसका इलाज ही ना कराऊं तो क्या होगा। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपके इसी सवाल का जवाब देने जा रही हूँ कि यदि आपको फाइब्रॉइड है और आप उसका इलाज नहीं करवाना चाहते तो बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, क्योंकि बीमारी को टालना कभी भी फायदेमंद नहीं होता है, हमेशा वो आगे चलकर आपको नुकसान देती है। और फाइब्रॉइड्स में तो एक बहुत बड़ा डिक्टम है कि आप अपने ब्लड से यानी कि अपने खून से उन्हें पाल पोस के बड़ा करते हैं, और हम लोग आप ही को खून चढ़ाकर फिर उस गांठ को बाहर निकालते हैं। तो ऐसा गलत डिसीजन बिल्कुल ना कीजिए। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपको फाइब्रॉइड है तो फाइनली वो ऑपरेट ही होगा और कोई इलाज संभव नहीं है। यानी कि आप लोग, जैसे कि हमारे पास बहुत से मरीज आते हैं, वो हमें कहते हैं कि मैडम हम पहले आयुर्वेद ट्राई करेंगे, हम होम्योपैथी ट्राई करेंगे। तो चाहे जो मर्जी है पैथी ट्राई कर लीजिए, क्योंकि ना तो आयुर्वेद में, ना होम्योपैथी में, ना ही हमारी मेडिसिन साइंस में फाइब्रॉइड का और कोई इलाज संभव है। फाइनली सर्जरी ही एक इलाज होता है। गोलियां खाने से फाइब्रॉइड का साइज थोड़ा कम हो सकता है, ग्रोथ थोड़ी रुक सकती है, लेकिन फाइनली जैसे ही आप गोली रोकते हैं, गोली लेना बंद करते हैं, वो वापस से बढ़ना शुरू हो जाता है और ये हर साल 1.5-2 सेंटीमीटर के रेट से ग्रो करता है, जिसके कारण ये धीरे धीरे पेट के अंदर बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा आपकी तकलीफें बढ़ती जाएंगी, यानी कि पेट में दर्द होना, फुलावट आना, कब्जी होना, पेशाब रुक जाना, महीना भारी आना, महीने के दौरान बहुत ज्यादा दर्द होना और छोटी मोटी कई सारी समस्याएं चलती रहती है। और गलती से यदि आप बीच में प्रेग्नेंट हो गए हैं तो प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस अलग शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही प्रेगनेंसी होती है फिर फाइब्रॉइड का कोई इलाज भी नहीं हो पाता, कोई दर्द की दवाई भी आप नहीं खा पाते, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं दी जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फंस जाते हैं, और कई बार एक गांठ के साथ दूसरी गांठ, तीसरी गांठ और भी कई सारी गांठें बनती जाती हैं। तो ये डिसीजन लेना कि हमें फाइब्रॉइड पता है फिर भी हम कुछ इलाज नहीं लेना चाहते, ये एक तरीके से सेल्फ इंजूरियस डिसीजन होता है, यानी कि आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आपको पता है कि फाइब्रॉइड है, ये पता है कि फाइब्रॉइड का मेडिसिन से इलाज संभव नहीं है, ये भी पता है कि आयुर्वेद और होम्योपैथ से भी कुछ नहीं होने वाला, तो और एक सर्जरी यानी कि दूरबीन से ऑपरेशन ही एक इसका इलाज है, तो फिर आपको उसे चूज कर लेना चाहिए और समय रहते इलाज करा लेना चाहिए, क्योंकि छोटी गांठ को कम समय के अंदर निकाला जा सकता है, खून का नुकसान भी काफी कम होता है, एनेस्थीसिया का रिस्क भी काफी कम होता है, क्योंकि जैसे जैसे गांठ बढ़ती जाती है ब्लड लॉस बढ़ता जाता है, एनीमिया डेवलप हो जाता है, सर्जरी का ड्यूरेशन बढ़ जाता है तो एनेस्थीसिया का रिस्क बढ़ जाता है, खून चढ़ा के सर्जरी करनी पड़ती है तो नॉर्मल से ज्यादा रिस्की हो जाती है। इस तरीके से सारी चीजें कॉम्प्लिकेट ना करें, और जैसे ही पता चलता है अपना तुरंत इलाज करवा लीजिए। थैंक यू।